एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। राम भक्त दीवाने गुम्बद से कंकर मारने प्रयास करने पर भी नहीं निकले और तीसरी गुम्बद अपराह्न 3 बजे गिर गई। हर महादेव जय श्री राम से वातावरण गूंज उठा। महाराष्ट्र का भारत बाबू दबकर शहीद हो गया। उसकी मां ने कहा, कार सेवक आगे चलो, यह तो राम का प्यारा हो गया, इसी पुनीत कार्य के लिए आया था। यह है वीर प्रसूता माँ, जिसे अपने दिल के टुकड़े की चिंता नहीं, जन्म भूमि से कलंक मिटाने की चिंता है। बोली, पहली नंबर 1 गुम्बद पर चलो और प्रहार करो। देश भर की इसी तरह की गलियां गवाह हैं राम मंदिर आंदोलन की। राम मंदिर आंदोलन के लिए देश भर के लोग जब इन्हीं गलियों से निकले तो अयोध्या में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। चारों तरफ अयोध्या में राम भक्त दिखाई दे रहे थे। हर गलियों से लोग निकले और निकलने के बाद अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में चारों तरफ राम भक्तों का जमावड़ा लग गया था। हर गली से बस एक ही आवाज आ रही थी कि राम काज कीन बिना मोह कहां विश्राम, यानी राम के काम करने के बिना अब मुझे कोई विश्राम नहीं, हमें ठहरना नहीं है, बस राम मंदिर का निर्माण करके ही रहेंगे। तो आइए, हरिगढ़ से भी एक आवाज ऐसी आई थी। हम चलते हैं नारायण दत्त शर्मा जी के पास और उनसे जानते हैं राम मंदिर आंदोलन के बारे में सारी जानकारी कि कैसे उनके पिताजी आंदोलन में पहुंचे हुए थे और किस तरह से राम मंदिर निर्माण के लिए हुंकार भरी और उसके बाद चल पड़े अयोध्या। ना घर की चिंता की, ना परिवार की चिंता की, ना बच्चों की चिंता की, बस सिर्फ और सिर्फ उन्हें यही था कि वादी ढांचे को ढहाना है। श्याम नारायण शर्मा जी का घर अगर देखेंगे तो आप ये देखिए कि अभी भी वो पुरानी दीवारें हैं, अभी भी वो घर है, मकान, जहां की दीवारें ये बता रही हैं, चीख चीख के ये कह रही हैं कि आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका इनके पिताजी यानी महावीर प्रसाद जी की थी। दीवारों पे टंगी वो चित्र, दीवारों पे टंगे वो तस्वीरें, वो भी बताने का काम कर रही हैं कि आंदोलन में किस तरह से उनके पिताजी ने भाग लिया था यानी सहभागिता की थी। यहाँ पर देखिए, संघ के वो सूत्रधार जिन्होंने संघ की स्थापना की, परम पूजनीय डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी और द्वितीय सर संघ चालक माधवराव गोलवरकर जी, उनका भी चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा। तो ये जो किताबें हैं मकान में, आप सब जान सकते हैं, देख सकते हैं, ये पुरानी वही किताबें हैं, राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई वो किताबें हैं। आइए उनके पुत्र यानी महावीर प्रसाद जी के पुत्र नारायण दत्त जी से बातचीत करते हैं कि कैसे आंदोलन में उनके पिताजी ने भाग लिया था। राम मंदिर आंदोलन यानी 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर आंदोलन में आपके पिताजी महावीर प्रसाद जी ने भाग लिया था और 6 दिसंबर 1992 को पहुंचे थे। तो कैसे घर से निकले थे, क्या बताया था परिवार और बच्चों को और फिर निकल पड़े आंदोलन के लिए? यहाँ से 2-3 दिन पहले पिताजी और उनके अपने साथी टोले में निकल करके बहुत ही उत्साह था कि अब तो भगवान राम का वहां पर मंदिर ही बनाएंगे और जो विवादित ढांचा है उसको बिल्कुल ध्वस्त करके ही हम यहाँ पर लौटेंगे जी, वरना नहीं लौटेंगे जी। और बड़े जो बड़ा मन के अंदर बहुत ही जोश था उनके अंदर और सब घर परिवार को छोड़ करके और वो यहाँ से निकल पड़े जी। तो यहाँ से कितने लोग थे, कितने लोगों की टोलियां थी? करीब 12 लोगों की टोलियां थी जी, लगभग 12 लोगों की टोलियां थी और 12 ही लोगों के अंदर एक बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा था और बड़े उत्साह के साथ वो लोग जो है भगवान राम की मंदिर को बनाने के लिए और उसको ढांचे को गिराने के लिए और यहाँ से निकले थे जी। उससे पहले 1990 में गोली चली थी और दो भाई शरद कोठारी राम कोठारी बलिदान हो गए थे, तो पिताजी को ये डर भय नहीं था कि गोली का शिकार हो जाएंगे, बलिदान हो जाएंगे, जबकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी? वो तो केवल एक राम के भक्त थे, उनके मन के अंदर जो है वो राम ही समाये हुए थे, भगवान राम के काज के लिए जा रहे हैं, हमारा क्या होगा उसमें, हम ऐसा कुछ नहीं था उनके मन के अंदर, बिल्कुल निर्भीक होकर के अब तो हमें राम के काज में ही निकलना है, राम के लिए ही निकलना है, ऐसी आत्मविश्वास के साथ वो यहाँ से निकले थे। डर का भय का वातावरण कोई भी उनके अंदर नहीं, मतलब गोलियों की बौछार
कि जरा भी उन्हें डर नहीं थी, जरा भी उन्हें भय नहीं था। बिल्कुल भय नहीं था, बिल्कुल भय नहीं था, बिल्कुल निर्भीक, केवल राम काज के लिए, हमें तो राम काज का ही काम करना है वहां पर जाकर के, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर निर्माण करना है और उसको जो ढांचे को ध्वस्त करना है, यही उनका लक्ष्य था जी। उस समय मोबाइल फोन का थे ही नहीं ना। और फोन एकाध घरों में हुआ करते थे। हाँ। तो कैसे सूचना मिलती थी, कहाँ पिताजी पहुंचे, किस जगह गए? अब सूचना का माध्यम तो बड़ा टेढ़ा था उस समय जो है, लेकिन फिर भी कुछ विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिलती रहती थी कि कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ नहीं पहुंचे, कैसे पहुंचे हैं। और बड़े ही कंटक में रास्तों से गुजर करके, जब बाद बाकी तो उन्होंने जब वहां बिल्कुल ध्वस्त हो गया था और उसके बाद में जब वहां से लौटे थे, तो उन्होंने अपना पूरा जो है यहाँ पर आकर के बताया था कि हम किस 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 तरीके से रात में निकले थे, ना खाना खाना ना पानी पीना, और रात में बिल्कुल जो है ऐसे जाते थे कि जो है बिल्कुल छुप छुपा करके जो है, पुलिस भी जो उनके बीच में बहुत बहुत बीच में बाधाएं आई, लेकिन बिल्कुल जंगलों में जा करके जो है वो अयोध्या पहुंचे। अयोध्या पहुंचे, मतलब पूरा मकसद था कि जो विवादित ढांचा है उसको गिराना है और राम मंदिर का मार्ग जो है प्रशस्त करना है। पूरा पूरा मन के अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास था कि हमें तो अब ढांचा, विवादित ढांचे को गिरा करके वहां राम मंदिर स्थापित करना है। बिल्कुल संकल्प के साथ गए थे वो यहाँ से निकल। जी, मैं जब आपके कमरे में प्रवेश किया तो मैं देख रहा था एक पुस्तक जो है आप निकाल रहे थे और ढूंढ कर लेकर आए। इस पुस्तक को देखते ही तमाम ऐसी यादें जो है वो ताजा हो जाती है, तमाम यादें जो है वो जाहिर हो जाती है। और उसमें इस पुस्तक में एक सबसे प्रमुख बात है, पूज्य जो है ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी की जो भविष्यवाणी राम मंदिर के लिए है, कि क्या उन्होंने लिखा है? पूज्य देवराहा बाबा का आशीर्वचन, प्यारी आत्मा, राम नाम की आंधी चलेगी, बवंडर उठेगा, लाखों राम भक्त आएंगे, ढांचे की एक एक ईंट उठाकर ले जाएंगे, बाबा का आशीर्वाद है, राम मंदिर अवश्य बनेगा, विश्व की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। यह बाबा ने तो पहले ही जो है घोषणा कर दी थी और एक एक बाबा की बात जो है वो सत्य जो है वो निकली। जी, आप सब देख सकते हैं ये ब्रह्म ऋषि पूज्य देवराहा बाबा जी हैं, जिनकी उम्र का आज तक कोई था नहीं लगा पाया, और इन्होंने राम मंदिर के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो भविष्यवाणी सही साबित हुई। देश के तमाम ऐसे मुद्दों पर ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा जी की भविष्यवाणियां रही हैं जो सिद्ध साबित हुई, और आज ये पुस्तक करीब 35 साल बाद निकलकर बाहर आई है, जिसमें पूज्य देवराहा बाबा जी की वो भविष्यवाणी है और वो एक एक शब्द जो है वो सत्य साबित होते हैं। तो इस पुस्तक में क्या क्या यादें सजोए हुए हैं, किन किन बातों को समाहित किए हुए हैं, किन्होंने ये पुस्तक लिखी है? हमारे महानगर के, अलीगढ़ महानगर के संघ चालक माननीय श्री बनवाई लाल पाठक जी थे, उस समय वो भी इस टोली के साथ में गए थे और उन्होंने ही उस समय की जो वहां घटनाएं हैं उन घटनाओं का पूरा विवरण वहां से आकर के इस अपने हाथ से और लिखा है। ये उनकी हस्त लिखित पुस्तिका है। बाबू जी, आपकी उम्र करीब कितनी है इस समय? है 72। लेकिन उम्र के अनुसार आपकी आवाज और आपका अंदर का जो जोश है, मैं देख रहा हूं कि एकदम जो है 6 दिसंबर की तरह 1990 की तरह उबाल मार रहा है। दरअसल मैं भी जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ पर पदाधिकारी रहा हूँ जो है, अभी मैं शाखा जाता हूँ। जी जी, हाँ जी, तो इसलिए जो है ये शरीर सगा बना हुआ है। अच्छा, आपके चेहरे पे मुस्कान आई है, मैं जानना चाहता हूँ ये पुस्तक में क्या लिखा है और कैसे बनवारी लाल जी पाठक ने अपने शब्दों में पिरोया है, क्या क्या है? हाँ, ये जो उनके हाथ की लिखी, अभी तक मेरे पास में ये किताब रखी है, उन्होंने इसको मढ़वाया है, तो इसमें लिखा है उन्होंने कि आज 6 दिसंबर को हजारों गेंदारों के शस्त्र बन गए, गुंबदों और कुल्हाड़े गेंदारे चल रहे थे, उनसे प्लास्टर ही टूटता था, गुंबदों का टूटना कठिन था, इसलिए ध्वनि विस्तारक से सूचना प्रसारित बार बार हो रही थी कि गुंबदों से कार सेवक तुरंत उतर आए, ऊपर से गुंबद टूटना कठिन है, कार सेवक तो दीवाने थे, उन्हें उतारने में लगभग 2 घंटों का समय लग गया, साथ ही
प्रसारण हो रहा था, अयोध्या वासी जिनके पास वास्तुकला के यंत्र हैं अति शीघ्र लेकर आए। कार सेवक कलंक के चिन्ह को ध्वस्त करने लगे। दिशा निर्देशानुसार तीसरी गुम्बद के जड़ों पर गेंदारे हजारों की संख्या में चलने लगे। खुदाई जोरों से होने लगी। धूल ही धूल वातावरण में दिखती थी। कार सेवक घायल हो रहे थे। हनुमान चालीसा पाठ विटंबना जी करा रही थी जी। गुम्बद के अंदर के लोगों से बार बार कहा जा रहा था बाहर निकल आए, गुम्बद गिरने वाली है। हनुमान चालीसा के बीच में उद्भव एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। राम भक्त दीवाने गुम्बद से कंकड़ मारने प्रयास करने पर भी नहीं निकले और तीसरी गुम्बद अपराह्न 3 बजे गिर गई। हर हर महादेव, जय श्री राम से वातावरण गूंज उठा। दही गुम्बद मलवा को उठा उठाकर दबे लोगों को निकालने का प्रयास करने लगे। महाराष्ट्र का भारत बाबू दबकर शहीद हो गया। उसकी मां ने कहा, कार सेवक आगे चलो, यह तो राम का प्यारा हो गया, इसी पुनीत कार्य के लिए आया था। यह है वीर प्रसूता मां, जिसे अपने दिल के टुकड़े की चिंता नहीं, जन्म भूमि से कलंक मिटाने की चिंता है। बोली, पहली नंबर एक गुम्बद पर चलो और प्रहार करो। हनुमान चालीसा गूंज रहा है। प्रसारण मंत्र से सूचना हिंदी तेलुगु अंग्रेजी में, पहले नंबर एक के गुम्बद पर कार्य प्रारंभ करो। कार सेवा उधर प्रलयंकर रूप में रौद्र रूप धारण कर गुम्बद की जड़ें खाली करने लगे। बीच में उद्भूत एक धक्का और दो, बावरी ढांचा तोड़ दो। आक्रोश जयकारों से कंपित था। धूल भरा दृश्य राम भक्तों का ज्वार गुम्बद टूट रही थी। क्रमांक एक गुम्बद 75% टूटी। तभी सूचना प्रसारित हुई कि बीच वाली गुम्बद से राम लला और सिंहासन को बाहर निकालो और राम कथा कुंज भवन में पहुंचाएंगे। देखते ही देखते पुजारी कंधों पर राम लला को बैठाकर आ रहे हैं। रमणीक स्वेल मूर्ति सिंहासन कथा कुंज भवन में भेजा गया। संकीर्तन जय घोष चारों दिशाओं में गूंज रहा था। खुदाई जोरों से जारी। क्रमांक एक गुम्बद लगभग 4:30 बजे गिर गई। प्रसन्नता से राम भक्त नर नारी बालक वृद्ध सभी झूमने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम। ढांचे से प्राचीन मूर्ति शिलालेख निकले, जिन्हें देखकर हृदय बेहल हो उठा और आक्रोश आक्रमणकारियों ने किले के जघन्य कुकृत्य किए हैं। सूचना प्रसारित, बीच वाली गुम्बद को प्रहार कर डहाओ, एक धक्का और दो, बावरी ढांचा तोड़ दो। उद्बोध के साथ सटीक प्रहार होने लगे। कलमा कलंक गिरने लगा, मिटने लगा। जयकारे बजरंगबली, जय श्री राम, हर हर महादेव से वातावरण हर्ष से गूंजने लगा। वहां की जो घटना इस हमने हस्तलिखित किताब में पढ़ी और आंखों में आंसू निकल आए, और ये जो घटनाएं जो घटी, ये जो हमारा कार सेवक वहां पर शहीद हुआ, उस शहीदी में मेरे भी, उसके लिए मेरे भी आंसू जो है वो छलक रहे हैं, और मैं इसका वर्णन ज्यादा करने में बड़ा असमर्थ समझ रहा हूँ। मुझे भी थोड़ी सी इस समय
पढ़ते पढ़ते और बड़ी मन के अंदर एक बेचैनी सी, घबराहट सी का वातावरण जो है वो लगने लगा। बाबूजी की आंखों में आंसू जिस तरह से छलक रहे हैं और जिस तरह से एकदम से उनका गला रुंधाया, आप समझ सकते हैं कि एकदम भावुक हो गए। पढ़ते पढ़ते उनके शब्द लड़खड़ा रहे थे, उन शब्दों को वो आगे बयान नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 की उस यात्रा का पूरा वृत्तांत था जो आदरणीय पूजनीय बनवारी लाल पाठक जी ने लिखा था। कैसे किस तरह से आप समझ सकते हैं कि राम भक्तों के अंदर जुनून था। बाबूजी इस प्रकार से बता रहे हैं कि निश्चित तौर पे पिताजी को पता था कि लौट पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 1990 में गोली चल चुकी थी और ऐसे में कभी भी कुछ हो सकता था, क्योंकि वहां लाखों का सैलाब उमड़ पड़ा था। लेकिन बाबूजी का ये कहना है कि हजारों राम भक्त लाखों की संख्या में पहुंचे थे और सबको यही था कि राम काज के लिए अगर बलिदान हो जाते हैं, अगर घर लौट कर नहीं आते हैं, अयोध्या धाम में समर्पित हो जाते हैं, तो इससे बड़ा और पुण्य जीवन उनके लिए कुछ नहीं होगा। और इसीलिए यहां से घर से सभी राम भक्त कफन बांधकर निकले हुए थे। महावीर प्रसाद जी की ये कहानी, ये कथा सिर्फ कथा नहीं है, ऐसे ही घर से गलियों से निकले हुए सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने ही इतिहास बनाया और राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया। उनके आज भले ही घर इस तरह के हों, लेकिन उनके अंदर एक ही जुनून था कि बस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर बनना चाहिए।